हेलो एवरीवन, आई एम रियान। वेलकम बैक टू रियाज अमेजिंग वर्ल्ड। तो आज हमारे न्यू होम में ये फर्स्ट डे है और वैसे तो अभी शाम होने को आई है, लेकिन मैं आपको मॉर्निंग से सब कुछ क्या क्या हुआ वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो वैसे तो आपको पता है ना कि दिवाली के दिन हम यहाँ पर इस घर में शिफ्ट हो गए थे, और आई थिंक आपको ये भी पता होगा कि सामान हमारा सारा वो भी दिवाली के दिन शिफ्ट हो गया था, और उस दिन बड़ा बड़ा सामान थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज भी हो गया था। लेकिन जैसे कि वाटर प्योरीफायर है, फिर गीज़र है, रेफ्रिजरेटर है, वो सब अभी लगाना बाकी था। एंड दिवाली के बाद 3-4 दिन की छुट्टी थी, तो सारी शॉप्स भी क्लोज थी और कोई आने वाला भी नहीं था, कोई फिट करने भी नहीं आने वाला था। तो इसलिए हमने क्या सोचा कि दिवाली के बाद जो 3-4 दिन है, वो दिन हम जो जहाँ पर थोड़े दिन से रह रहे थे वो वाले घर में ही रहे। मतलब कन्फ्यूज मत होना, मैं आपको चलिए उस घर का थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ। तो ये है वो घर जिसमें हम पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे। तो पिछले 2-3 दिन से हम यहाँ का जो सामान है वो शिफ्ट कर रहे हैं हमारे नए घर में, क्योंकि जो सामान यहाँ पर है उसकी अभी 2-3 दिन में कुछ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा सामान हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, वैसे तो आपने शॉर्ट वीडियोज़ में देखा होगा, ये है किचन यहाँ का, फिर यहाँ पर है वॉश बेसिन, और ये है स्टोरेज रूम, और ये है लिविंग रूम यहाँ का, और ये बड़ी वाली विंडोज़ है, इसको खोल के आती है मेरी फेवरेट गैलरी। तो देखिए, कल यहाँ से हमारा मोस्ट ऑफ सामान लेकर हमने नए घर में रख दिया, ताकि दूसरे दिन जब हम शिफ्ट हो जाए तब एक साथ बहुत सारा सामान लेकर ना जाना पड़े। अब चलो ये सब सामान को लेके चलते हैं कार के अंदर। तो वैसे आपको तो पता ही है, जब भी मैं नीचे आती हूँ मुझे ये स्विंग करने का बहुत मजा आता है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने नए घर में, और वहाँ पर ये सारा सामान रख भी देंगे। तो हम थोड़ा सामान यहाँ पर रख भी देंगे, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज भी करते जाएंगे, क्योंकि नए घर में शिफ्ट घर शिफ्ट कर रहे हैं और सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इतना आसान तो है नहीं। मतलब ना पूरे के पूरे ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी चीज़ कहाँ पर ऑर्गेनाइज करें, बहुत कन्फ्यूजन रहता है उन सब का। तो देखिए, ये कबर्ड में बड़ा सा शेल्फ है, तो मैं यहाँ पर बैठ भी सकती हूँ, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये पाइप जैसा जो रोड वाला होता है ना हैंगर के लिए, वो यहाँ पर नहीं है, तो अभी वो आना बाकी है। तो देखिए, ये सारा सामान बहुत सारा है, मतलब ये तो अभी थोड़ा ही है, और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सब अभी ऑर्गेनाइज करना है, और ये भी है, तो मैं और मम्मा बस उसमें ही लगे हुए हैं। तो धीरे धीरे नहीं, फास्ट फास्ट हम ये ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और जल्दी मैं आपके लिए न्यू रूम टूर भी लेके आने वाली हूँ। तो देखिए, फाइनली आज ये मॉर्निंग है जिस मॉर्निंग को हम शिफ्ट करने वाले हैं अपने नए होम पर, सारी चीज़ें लेकर शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये मेरा गद्दा है, ये ब्लैंकेट है, सॉफ्ट टॉयज है, और जो सामान रखा था हमने 1-2 दिन के लिए वो है, जो सारा अननेसेसरी था वो तो पहले से शिफ्ट कर ही दिया था, जो मैंने आपको पहले अभी बताया ही। तो अब ये सब सामान लेके हम फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये अब थोड़ा सा ही बचा है, तो आई थिंक कार में सब एक साथ आ ही जाएगा। तो ये देखो, पीछे सारी सॉफ्ट सॉफ्ट थिंग्स आ गई हैं, गद्दे, सॉफ्ट टॉयज वगैरह, और आगे मैं हूँ, और छोटे छोटे किचन वाले टेडी बेयर्स हैं। तो अभी देखिए, सारा सामान हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, और फिर हम निकल पड़े। लंच हमारा हो गया, और फिर हम जब हमें भूख लगी तब हम पेस्ट्री खाने निकल पड़े। तो ये इवनिंग का मंच भी हो गया। तो अब सारा सामान ऑर्गेनाइज करते करते जो डेलिकेट चीज़ें होती है ना, जैसे ग्लास की चीज़ें और वगैरह वगैरह, तो उस पर ये बबल वाला रैप करते हैं। तो जब हमने वो सब डेलिकेट चीज़ें ऑर्गेनाइज की, तो उसमें से ये निकला। तो मुझे और मेरे ग्रैंड मम को ये बहुत पसंद है फोड़ना, तो मैं और मेरे ग्रैंड मम ये कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बबल्स फोड़ पाएगा, और हम रेस्ट भी कर रहे हैं साथ साथ में। और देखिए, ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन ट्रक से सारा सामान अनलोड हुआ था। अब ये बड़ा बड़ा तो काफ़ी कुछ अपनी जगह पर पहुंच गया है, बड़ा बड़ा अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज हो गया है, जैसे कि सोफ़ा हॉल में वगैरह वगैरह, और अभी बहुत कुछ ऑर्गेनाइज हो भी जाएगा।
देखिए ये थोड़ा काम चल रहा है, उसी का आवाज़ है। तो मैं ये कह रही थी कि इवनिंग होते होते मैं ऑलमोस्ट मेरे रूम का सारा सामान ऑर्गेनाइज हो गया था और मुझे लगता है कि आज तो सारा ऑर्गेनाइज हो ही जाएगा। तो मैं कल या परसों न्यू रूम टूर भी अपलोड कर दूँ, क्या बोलते हो? तो बहुत दिन के बाद फिर से अपने घर में शिफ्ट होकर मुझे लगता है कि मैं अपना जो रूटीन है वो फिर से स्टार्ट कर पाऊँगी। मतलब पहले कैसे मेरा एक रूटीन रहता था वो मैं फिर से कर पाऊँगी। आजकल ना मेरा रूटीन पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब रहता था, कभी इस घर में, कभी उस घर में, और कभी हमारे पुराने वाले घर में। तो कुछ रूटीन जैसा रहता ही नहीं था। और मैं जल्दी अपना रूटीन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जैसे मैं रूटीन स्टार्ट करती हूँ आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी। और हर रोज़ की छोटी छोटी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी अपडेट्स का तो वीडियो नहीं बन सकता है। तो रियाज अमेजिंग वर्ल्ड है इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम, वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियो एंड बाय। सब्सक्राइब करके रखना अगर नहीं किया है तो, बहुत ही मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं और लाती रहूँगी। मज़ेदार वीडियोज़ तो आते ही है, लेकिन उससे भी बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखना।